नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2n सेकेंड्स इज वी नॉट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, देखिए तो अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यू जीरो है, तो 2n सेकेंड्स मतलब 2n सेकेंड हो गए और अब इसकी वेलोसिटी वी नॉट है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन लास्ट एन सेकेंड क्या होगा? मान लीजिए ये एन सेकेंड से और ये अगला एन सेकेंड से, तो देखिए बात ऑब्वियस है, मिडिल टाइम पे वेलोसिटी डेफिनेटली वी नॉट बाई टू ही होगी और हमें यहाँ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इसकी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वी नॉट बाई टू और वी नॉट की एवरेज वेलोसिटी होगी वी नॉट बाई टू प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 3v0/4, और अगर ये एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? 3v0/4 × n, आंसर होगा इसका सी, ओके, कि किसी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनली फाइनल वेलोसिटी बाय 2 से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट देता है,